बंधु भैया हम सबके बड़े भाई थे, वो कार्यकर्ताओं के लिए जनता के लिए 2400 घंटे जीते थे, अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु और पशु पक्षी भी जी लेते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जिए, जो दूसरों के लिए जिए, जो देश के लिए जिए, जो असहाय के लिए जिए, ऐसे थे नंदू भैया, जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए उन्होंने पूरा जीवन जिया और अंतिम समय तक वो जनता की सेवा करते रहे। जब मानदाता का मैं प्रभारी था, नंदू भैया दोनों के प्रभारी थे, उनके परिवार में कोरोना हुआ लेकिन वो एक महीना तक घर ही नहीं गए, पूरी तरह चुनाव जिताने के लिए कार्यकर्ताओं के यहाँ रुके रहे और रात दिन मेहनत की। उनको बाद में कोरोना हुआ, वो कोरोना पे तो विजय प्राप्त कर गए, नेगेटिव आई रिपोर्ट यहाँ चिरायु में, दिल्ली में भी नेगेटिव रिपोर्ट आई है, दो दिन पहले भी जो रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव ही आई थी, लेकिन फेफड़ों में इन्फेक्शन होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, पूरी सरकार ने, पूरे चिकित्सकों ने, देश विदेश के सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर के आगे हम सब नतमस्तक हैं। पूरा प्रयास करने के बाद में भी हम अपने नंदू भैया को नहीं बचा सके, ये हम सब के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, संकट की घड़ी है, लेकिन नंदू भैया शारीरिक रूप से गए हैं लेकिन उनके कर्म, उनके व्यवहार, उनके द्वारा की गई जनसेवा हमेशा हमेशा के लिए अमर है, और इसलिए शारीरिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके काम, उनका व्यवहार, उनकी जनसेवा, उनकी देशभक्ति हमेशा हमेशा हमको प्रेरणा देती रहेगी और हमेशा हमेशा के लिए वो उनके कार्य अमर है। मैं उनके हम सब इस दुख की घड़ी में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।